मैं आपको तीसरी बात सुना रहा था, डबल लाइट रहने के लिए, विघ्न विनाशक रहने के लिए। कोई कुछ भी करता है, कोई कहेगा तुम काम कोई काम क्यों नहीं हो, तुम ऐसी हो ये हो। हम बार बार सोचते हैं अच्छा हमने कोई काम की नहीं, दूसरों को भी सलाह देगा मेरे फोन में ऐसा होगा कोई काम की नहीं। उस बात को जितना रिपीट करेंगे उतना प्रॉब्लम और बढ़ेगी। इसीलिए ऐसी बातों को दिमाग से निकाल। एक व्यक्ति ने गधा पाला, गधा अचानक कुएं में गिर गया, मालिक लगता उसको निकाले नहीं निकाले क्या करें, लास्ट में सोचा वैसे होता है अब निकाल करके क्या पाएगा, इसी कुएं के अंदर उसको दफना देते। आस पास वालों सबको बुलाया, कहता मेरा गधा कुएं में गिरा उसको दफनाना है, आप लोग फावड़े लेके आ जाना। तो सभी ने फावड़े लगा के मिट्टी डालना शुरू किया, गधा तो जिंदा था चिल्लाना शुरू किया, कोई सुनता ही नहीं। लास्ट में गधे ने सोचा कोई सुनने वाला ही नहीं, चुप हो गया। और उसके बाद जो भी मिट्टी आती है जोर से झाड़ करके नीचे गिराता है, जब पेड़ के नीचे ढेर होता गया एक एक पाँव ढेर रखते कोई से बाहर आ गया, गधा समझदार था। और मिट्टी डालने वाले को कहते हैं मर गया सारा गधे, देखा तो और ही ऊंचे होता है। और उसको लगे ये क्या हो गया। इसी तरह जो आपके ऊपर बुराई की छिट्टी डालेगा ये तो ऐसा हो जाए ये हो जाए, लेकिन उन बातों को आप झाड़ते रहेंगे तीन प्रतिदिन आप और आगे बढ़ेंगे। मिट्टी डालने वाला पीछे मुड़ देखे अरे तो और ऊंचा हो गया, क्योंकि आपने डबल लाइट होकर की बातों से निकाल दिया। जो बातों का चिंतन नहीं करता बाबा का चिंतन करता है उसका जिम्मेवार बाबा है। बाबा का तुम्हें श्री माता है, तुम्हें ये ऐसा क्यों बोला ये क्यों बोला ऐसा करके रहो। बाबा का अगर तुम मेरा ध्यान रखो मैं तेरा ध्यान रखूंगा। इसीलिए समस्या के समय चिंतन नहीं करना। आकाश में थूकेंगे धोखा कहाँ आएगा, अपने मुंह पर आएगा, ऐसी बातों से अपना ही घाटा है। इसीलिए रोज रात को सोते समय क्या करो, ऐसी बातों को दिमाग से निकाल दो।